Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. दो हफ्ते दो थर्सडे के लेक्चर मिस हुए आप, एक तो मुहर्रम की वजह से था और एक मैं फिर इस्लामाबाद था। अब इस्लामाबाद वाले बड़े अरसे से तरस रहे थे इस थर्सडे के लेक्चर को, तो महीने में एक दफ़ा वहाँ हुआ करेगा, बाकी तीन दिन तीन हफ्ते यहाँ हुआ करेगा, तो आप लोग मिस नहीं करेंगे। वैसे भी फेसबुक पर और हम डाल देते हैं व्हाट्सएप पर भी, तो आपको पता होता है कि कराची में है कि नहीं। इब्तदा करते हैं जी। Question number one. Buddha said, energy flows where the attention goes. How can we use this concept in order to bring more positive energy in our life? Dusra sawal hai, in context of law of attraction, if we are positive, so we attract positive energy, and if we are negative, so attract negative. But why has happened in life that positive people are more victimized by negative people or energies? Achha, yeh pehla sawal hi hai ki बुद्धा ने ये कहा था कि जहाँ ध्यान होगा वहाँ एनर्जी फॉलो करती है। ये बड़ा सिंपल है, मेडिकल रूल भी है ये। अक्सर हम सिल्वा के वर्कशॉप में आपको जब स्टार्ट में ट्रेनिंग देते एक चीज बताते हैं कि जहाँ पे भी तवज्जो करोगे, जिस्म के जिस हिस्से पे मरकूज करोगे, वहाँ दौरान खून बढ़ जाता है। दौरान खून एनर्जी बढ़ती है तो दौरान खून बढ़ता है, दौरान खून बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। ये मेडिकल फैक्ट है। होता यह है कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमारा जहन खुद ब खुद उस जगह की तरफ तवज्जो करता है ताकि तकलीफ कम हो जाए। कुदरत का एक निजाम है, तो मेडिकली तो ये बिल्कुल सही है। अब बुद्धा जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंसान अपनी तवज्जो किसी शय पर मरकूज करे मुस्तकिल मिजाजी के साथ और उसी पर तवज्जो रखे, उसके लिए वो मंजिल आसान हो जाती है, हासिल करना जो वो करना चाहता है। अब आप सोचें कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए जिंदगी में, किसी को कोई पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, किसी को पर्टिकुलर जॉब चाहिए, स्टूडेंट को एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, वो जितनी तवज्जो रखेगा उसके ऊपर एनर्जी उसके अंदर, एनर्जी दो किस्म की होती है, एक तो एनर्जी वो जिस्म के अंदर हमारी होती है जिसको हम बायो एनर्जी कहते हैं या संस्कृत में उसे प्राण कहते हैं, एक एनर्जी होती है जो आपके अतराफ में मौजूद है। तो आपके अंदर की ताकत कुवत और बाहर की कुवत मिलकर आपको उस मंजिल मकसूद पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। शर्त यह कि जब जिंदगी में एक मकसद बना ले तो उसे हटे ना। होता है कि जब कुछ चीज मुश्किल हो जाती है हम कहते छोड़ो कोई और चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो मैथ्स में वीक है, अब वो वक्त के साथ साथ वो क्या करेगा, मैथ्स से तवज्जो हटा देगा। होना ये चाहिए कि वो कोशिश करे कि मैथ्स में वो अच्छे मार्क्स लाए, मैथ्स को समझे। अब इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी असाज़ा के भी होती है, माँ बाप का भी होती है कि किस तरह वो बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये काम नहीं हो रहा छोड़ो दूसरा काम करो। जिन लोगों ने जिंदगी में कामयाबी हासिल की है उन्होंने हमेशा अपना फोकस कभी चेंज नहीं किया। ये जितनी बड़ी बड़ी ऐजादात हमारे सामने है, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, टेलीविजन, रेडियो, ये तमाम की तमाम चीजें उन लोगों ने अचीव की है जिन्होंने अपनी तवज्जो हटाई नहीं। आप कभी देखें नेशनल ज्योग्राफी, क्या आपको पता है इस बात का कि ये जो डॉक्यूमेंट फिल्में बनाते हैं जानवरों पे होती है, कभी शेर के ऊपर कभी, वो आम फिल्म बनाने से ज्यादा महंगी होती है और कई कई माह वो बैठे होते हैं उसी जगह पर एक शेर की तस्वीर लेने के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए। तो आप सोचें कि कितना मुश्किल काम है, वो तवज्जो से वो चीज हासिल होती है। तो जहां इंसान की तवज्जो होगी वहां उसकी एनर्जी खुद ब खुद फ्लो होगी क्योंकि उसका थॉट उस तरफ होगा। थॉट हकीकत में क्या है, ख्याल क्या है, एनर्जी है। और इसी तरह दूसरा सवाल के जी पॉजिटिव आपकी थिंकिंग होगी तो आप पॉजिटिव जिंदगी में चीजें अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव करेंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम इन्होंने ये कहा कि भाई पॉजिटिव आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, क्यों होता है ज्यादा? जो आदमी सही रास्ते पे चलेगा उसको हमेशा प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसका इम्तिहान है। एक छोटी सी बात है, इबलीस कभी शराब खाने में नहीं बैठा होगा, वो बैठेगा मस्जिद की सीढ़ियों। तो जितना आप जिंदगी में पॉजिटिव होंगे, जितना जिंदगी में मुस्बत रवैये के साथ गुजारेंगे,
وہ قوتیں جو آپ کے اطراف میں موجود ہیں وہ آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کرتی ہیں, پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے مثبت سوچ کو نہیں چھوڑنا, بیکاز آپ کو بلیو ہونا چاہیے کہ میرا خیال جو ہے یا میں جو کام کر رہا ہوں وہ ورک وائز, وہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے کیا جا سکے, یا میں جو سوچ رکھتا ہوں یا میرا زندگی میں جو رویہ ہے, لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا, میں اگر ادب سے بات کرتا ہوں, اگر میں اخلاق ہے میرے اندر اخلاص ہے, لوگوں سے بات چیت اس طرح کرتا ہوں, میرے دل میں ہمدردی ہے, لوگوں کا میں خیال رکھتا ہوں, تو بھی زندگی میں چھوڑنا پڑتا. شاید آپ کو یہ بات پتا ہوگی, آئی ایم شیور. اللہ انسان کے ساتھ دو معاملات کرتا ہے, بہت اہم ہے سمجھنا, دو معاملات کرے گا. ایک وہ جو اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق ہے, اسی لیے کہتے ہیں ریلیجن پرسنل چوائس ہوتی ہے انسان. جتنی بھی عبادات ہیں وہ پیورلی نیکی نہیں, نیکی الگ چیز. سورہ اثر میں جو ذکر آیا عمل صالحہ, کبھی آج تک ڈیفائن نہیں کیا کہ ہے کیا. فار ایگزامپل, نماز پڑھنا بھی اچھا عمل ہے, روزے رکھنا بھی اچھا عمل ہے, حج کرنا, عمرہ کرنا, زکات دینا اچھا عمل ہے, مگر جس کی طرف رب اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے, میں لین دین میں بےمانی تو نہیں کرتا, میں غیبت تو نہیں کرتا, میں چگلی تو نہیں کھاتا, میں کسی پہ تہمت تو نہیں لگاتا, میں کسی کے ساتھ برائی تو نہیں کرتا. یہ معاملات اور عبادت کی دو چیزیں ہیں جس کا حساب دینا ہوتا ہے. اب جہاں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم عمرہ کر کے آئے تو بالکل پاک ہو گئے, ہو گئے اس معاملات سے جو آپ کا اور اللہ کی طرف حساب تھا, انسان بالکل پیور ہو جاتا ہے نا, بالکل ایک پیدا ایک بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے کوئی گناہ نہیں ہے, مگر جو معاملات انسان کے ساتھ ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ معاف نہ کرے. اگر یہ ہمیں بات اس پہ زور دیا جائے انسانی معاملات پر, تعلقات پر, رویوں پر, تو میرے خیال میں بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آج جتنے لوگ عام طور پر اول تو پکڑے نہیں جاتے کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں, مگر جتنے لوگ عام طور پر ان گناہوں میں جرائم میں مبتلا ہیں, چاہے وہ رشوت ہو, چاہے وہ ملاوٹ ہو, دودھ سے لے کر دوا یا ادویات تک ملاوٹ, ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ بقرا عید میں بڑی مہنگی گائے لیں گے قربان کرنے کے لیے, حج عمرہ بار بار کریں گے, وہ حلیہ ان کا بڑا ایک نیک انسان ایک شریف انسان کا ہوگا, عمل اس کا بالکل الگ ہوگا. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم اچھی زندگی اچھی سوچ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیگیٹیوٹی کو برداشت کرنا پڑے گا. نیگیٹو ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ بھی منفی سوچ رکھیں, غلط کام کرے کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا, ابلیس آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا, اس کی پوری فوج آپ کو ہیلپ کرے گی. ایک انسان کہتا ہے, مجھے یاد ہے بہت سالوں پہلے کی بات, بہت سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آتے تھے, ینگ لڑکا تھا, وہ ایک ادارے میں نام نہیں لے سکتا, ادارے میں کام کرتا, اس کا والد اس ادارے میں بڑی سینئر پوزیشن پہ, باپ بیٹے میں فرق بتا رہا. باپ, میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا, دفتر میں اس کے ٹیبل پہ جو پینسل تھی وہ کبھی گھر لے کے نہیں گیا, کہ یہ دفتر کی پینسل میں گواہ ہوں اس بات. ایک دن باپ بیٹے کا جھگڑا ہوا, موجود تھا, وہ اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹ رہا تھا, گھر میں پانی نہیں تھا, تو اس وہ جو آرگنائزیشن تھی, نام نہیں لے سکتا, بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, بیٹے نے ان کو فون کر کے ان کا ٹینکر کا پانی اپنے گھر میں ڈلوایا. باپ تو بفر گیا, بالکل یہ حرکت کیوں کی, تو پیسے سے ٹینکر پانی خرید لیتے, یہ فری کا پانی کیسے, یہ پانی ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے ادارے ہیں جو بہت بڑا ادارہ ہے اس کے لیے پانی ہوتا ہے, اس نے اٹھا کے وہاں بھجوا دیا. اب ایسا آدمی بالکل ان پاپولر تھا پورے ادارے کے اندر, کوئی اس کو پسند نہیں کرتا کیونکہ کسی کو وہ کھانے نہیں دیتا. دیکھیے گا, اگر آپ گناہگار ہیں, اگر آپ کسی کے سامنے آئیں گے جو ایک نیک شریف صالح انسان ہے, تو آپ کے اندر ہمت نہیں ہوگی آنکھ سے آنکھ ملانے کی, کیونکہ اس کے پاس ایک قوت ہے ایمان کی, سچائی کی قوت ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے.
फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, पीछे से काम करते हैं आपके खिलाफ। अल्लाह ताला वो जहां कहीं भी अगर दुनिया में हो तो अल्लाह उस पर रहमत करे, अगर दुनिया से वो साफ चले गए तो अल्लाह ताला उनको बरी के रहमत करे। बहुत कमाल का इंसान। अच्छा जी, स्मार्ट वर्किंग कैसे की जाती है और इसका तरीका कार क्या है? दोस्तों, ये लफ्ज स्मार्ट वर्किंग जो है ये कुछ सालों पहले मुतारिफ हुआ मगरबी दुनिया की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां ये कहा गया कि जी आप 8-8 घंटे काम करते हैं मगर आपका रिजल्ट नहीं मिलता। तो रिजल्ट के लिए अकल को इस्तेमाल करने का मतलब है स्मार्ट वर्किंग। गधा सबसे ज्यादा काम करता है, कोलू का बैल पूरे दिन काम करता है मगर घूमता वही गोल 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 है, ना दाएं देख सकता है ना बाएं देख सकता है। गधे को भी जिस तरह आप लकड़ी मारो बेचारा काम करेगा, क्योंकि अकल इस्तेमाल नहीं करता। स्मार्ट वर्क करने का तरीका ये है कि आप, एक तरीका तो ये उन्होंने ये ढूंढा, एक बड़ा अच्छा टर्म इन्होंने यूज किया, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, पहले मेंढक को खाओ। अच्छा, इससे क्या मुराद है? आप नोटिस करें, चाहे आप तालिब इल्म में, चाहे आप दफ्तर में काम करते हैं, आप कुछ भी अपना काम करते हैं, आपका खातून खाना है घर के अंदर, आप घरदारी करती है, सुबह उठते ही जो सबसे मुश्किल काम है वो सबसे पहले करते, मेंढक उछलता रहता है, यानी वो काम आपके सर पे नाचता रहेगा। अगर किसी तरह आप उस बोरिंग काम को, मुश्किल काम को जो बिल्कुल आपको नहीं पसंद, सबसे पहले कर दें तो पूरा दिन आपको, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब काम आसान है आपके। हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ना, बच्चे भी पढ़ाई में जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है आखिर में करूंगा आखिर में करूंगा, या उलट कर लें, सबसे मुश्किल काम पहले कर लें तो आपके लिए पूरा दिन जो है वो आसान हो जाएगा। ये फाइल है जो इधर से उधर टेबल पे महीनों लगते शिफ्ट होने में, चीजों को मुलतवी की जाती है, इसकी वजह सबसे बड़ी है कि हम मुश्किल काम को फेस नहीं करते। इसकी कहानी भी समझाऊं आपको स्मार्ट वर्क का समझ में आएगा, मैं पहले भी सुना चुका हूं, आज इस रेफरेंस सुना रहा हूं। एक शख्स जो है वो एक ठेकेदार के पास गया, जो जिसके पास ठेका था जंगल में लकड़ियां काटने का, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, वो भी चला गया, उसको मिल गया काम। उन्होंने कहा भाई ये ले कुल्हाड़ी और तू जितनी लकड़ियां काटेगा, जितने दरख्त काटेगा, पर दरख्त तुझे इतने मुआवजा मिलेगा। उसने कहा ठीक है। दरख्त काटा उसने, पहले दिन कोई 7 काटे, दूसरे दिन भी 7 काटे, फिर 7 काटे, कुछ दिनों के बाद वो 6 काटा उसने एक दिन में, उसके बाद 5 पे आ गया, कुछ दिन और गुजरे 4 पे आ गया, 3 पे आ गया। जब 2 पे आया तो जो ठेकेदार था उसके पास आया कि भाई क्या कर रहे थे, 7 दरख्त काटने थे दिन में, 6 काटे, चलो ठीक है, ये 2 पे कैसे आ गया? तो उसने कहा कि मैं क्या करूं जी, मेरी कुल्हाड़ी जो है वो तेज नहीं रही। तो उसने कहा कुल्हाड़ी को तेज कर। तो बंदा जवाब देता है मेरे पास टाइम ही नहीं है कुल्हाड़ी तेज करने का। नहीं आई बात आगे? यही हमारा भी हाल है, हम अपनी कारकर्दगी बढ़ाने को तैयार हैं। हम ये समझते हैं हमने MBA कर लिया, BBA कर लिया, BBS कर लिया, CA कर लिया, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलत। इन तमाम चीजों में कारकर्दगी नहीं बढ़ती, किसी की भी नहीं बढ़ती। आप एक मखसूस पेशे के हवाले से आपको मालूमात हासिल होती है, उसमें आप महारत हासिल करते हैं, मगर बोलचाल का तरीका, इंसानी मामलात में सामने को कन्विंस कैसे करना, किसी से गुफ्तगू कैसे करनी, अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना, अपने मकसद को सामने रखकर किस तरह जुस्तजू करके उसके पीछे जाना, यह आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको तालीम देती है और उस तालीम के साथ आपको एक डिग्री इनायत करती है, दैट्स इट, बाकी आपके ऊपर। कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो नाकाम है बेचारे, MBBS कितना मुश्किल काम है, 5 साल जिंदगी के डालने पड़ते हैं। अब पैसा नहीं है तो क्लिनिक नहीं खुल सकती, तो अब जाओ इमरजेंसी रूम में काम करो और वहां 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है, और वो डॉक्टर जब तक वो आगे हायर डिग्री ना करे उसकी वैल्यू नहीं है। तो स्मार्ट वर्क में आप उतने ही काम में अपने काम को ज्यादा करते हैं, यानी वही 8 घंटे अगर आप काम करते हैं तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप पैदा कर रहे हैं, जो पैदावार है वो बढ़ जानी चाहिए, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। इसके लिए अकल इस्तेमाल करनी होगी कि मैं इतने ही वक्त में काम कैसे बढ़ा सकूं। अब मिसाल के तौर पर किसी जमाने में ना कंप्यूटर थे ना कुछ था, आज के दौर में कंप्यूटर की वजह से कितना ज्यादा काम आप कर सकते हैं,
सोच नहीं सकते राइट। पहले हाथ से लिखा जाता था, आपके पास कंप्यूटर, उससे पहले टाइपराइटर था, कितनी स्पीड से आप टाइप करते हैं। तो यह समझना बड़ा जरूरी है कि स्मार्ट वर्क के लिए अकल को इस्तेमाल करें, और अकल को इस्तेमाल करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, डब्बे से बाहर निकल के सोचो। हम डब्बे के अंदर सोचते हैं, गुरुज कई दफा ऐसी मशवरा देती है, ऐसा सजेशन लेके आती है टोटली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हमारा स्टाफ कहीं फंसता है, गुरुज हल निकाल देती है उसका। अच्छा, इसकी एक वजह सबसे बड़ी है, आई थिंक ये शायद आइंस्टाइन ने कहा कि जब आपके सामने कोई मसला दरपेश हो तो इसका मतलब है आप मसले में उलझे हुए, तो मसले में उलझे हुए रहते हुए मसले का हल नहीं निकल सकता, मसले से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे तब आप प्रॉब्लम को सुलझा सकते हो, प्रॉब्लम में रहते हुए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मसलन कोई शख्स कहता है मैं तो उदास हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं तो बदकिस्मत हूं, सारी जिंदगी रोता रहेगा। जब तक ये बदकिस्मती के खोल से नहीं निकलेगा और अपनी सोच को चेंज नहीं करेगा, वो बदकिस्मती वाले चक्कर से नहीं निकल सकेगा। अक्सर यही है, गिव अप कर लेते हैं, बस जैसा है वैसा ठीक है, क्या करें, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी कैसे होगी? अल्लाह आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, वो आपसे बहुत प्यार करता है, ना आपको दुखी रहना चाहता है कि आप दुखी रहें। मेरा ये मानना है कि गरीब घर में पैदा होना जुर्म नहीं, क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं, मगर गरीब हो के मरना जुर्म है बहुत बड़ा। क्योंकि जब अकल दी, दो हाथ पैर दिए, सोचने की सलाहियत दी, तो गुर्बत का खात्मा क्यों नहीं किया? ये भी बहुत जरूरी है। यानी रिस्क हलाल कमाते हुए आपने अपनी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर क्यों की? अच्छा जी, नेक्स्ट। सर, अगर किसी मामले में फैसला करने में परेशानी हो रही हो या दो में से एक ऑप्शन पिक करना हो तो बेहतर तरीका क्या हो सकता है जिसमें बाद में पछतावा ना? जुबैर एज यूजुअल टेढ़ा सवाल ही लेके आता है। हर मरहले पे जिंदगी में और हर मकाम पर हमेशा इंसान के पास दो चॉइसेस होती हैं, हमेशा कम से कम दो चॉइस होगी। रो रो के गुजार लो, हंस हंस के गुजार लो, है ना, दो चॉइस मिनिमम होती है। तो जब कभी ऐसा मरहला आए कि जहां आप बीच में सेंटर में, आपको नहीं पता दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, फैसला नहीं कर पा रहे, तो उसमें एक चीज याद रखें, एनएलपी में एक चीज सीखा तुमने, क्या एनएलपी? एनएलपी में प्री सपोजिशन है, प्री सपोजिशन इज कॉल्ड वर्किंग बिलीफ, यानी वो अकीदा जो वक्ती तौर पर काम आ जाए, तमाम उम्र साथ रखने की जरूरत नहीं। जिस तरह अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वेटर जो अच्छा रेस्टोरेंट होगा वहां के क्या पूछेगा, सर कोल्ड ड्रिंक लेंगे या मिनरल वाटर लेंगे? इसका मतलब यह है कि दोनों सूरतों में आप जो भी बोलेंगे आपने पैसे देंगे। आप समझ गए? ये मैंने ही ट्रेनिंग दी सालों पहले पीसी और मैरियट के। अगर वो कहेगा आप सादा पानी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने आपको चॉइस नहीं दी, उसने दो में से एक सेलेक्ट करने का कहा, मिनरल वाटर उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, कोई और ड्रिंक कहेंगे तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए होटल तैयार बैठा है, क्योंकि आप आएंगे पैसे देंगे तो होटल चलेगा, रेस्टोरेंट चलेगा। एक चीज एनएलपी में सिखाई गई थी कि इंसान जिस वक्त कोई फैसला करता है उस लम्हे वो उस लम्हे वो सबसे बेहतरीन फैसला होता है, क्योंकि हालात चेंज हो जाते हैं। बाद में पांच साल बाद, दो साल बाद आपको लगे यार मेरा फैसला गलत था, नहीं, उस वक्त वो सही फैसला था। इसलिए कि जिस वक्त आप फैसला करते हैं वो तमाम वसाइल आपके पास मौजूद होते हैं, चाहे आपका इल्म हो, आपकी जिंदगी के तजर्बा हो, आपके दोस्त हो, कुछ भी हो, जो रिसोर्सेज चाहिए आपको उस वक्त आपके पास अवेलेबल होते, उन्हीं रिसोर्सेज की बेसिस पे आप फैसला करते हैं। तो पहली चीज, जिंदगी में फैसला करने से घबराना मत करो, और बाद में कुछ सालों के बाद आपको लगे कि फैसला गलत था पछताना मत, क्योंकि उस वक्त जो फैसला आपने किया था वो सही था। शादी ले ले, कबूल है कबूल है कबूल है, पांच साल के बाद उफ
क्या हुआ, क्या कर बैठा, है ना, होता है कई लोग करते हैं, उस वक्त बिल्कुल सही था फैसला। अच्छा, वक्त जब गुजरता है तो इस वक्त पे तो अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है, वाला सर, ये वक्त चीजों को बदल देता है। आप देखें, आपकी सोच बदल गई, आपकी बहुत सारी चीजें बदल गई। क्या ख्वाहिशात थी 10 साल पहले, अब वो नहीं रही। प्रायोरिटी, तरजीहा जिंदगी की आपकी बदल गई, है ना। बहुत सालों पहले मैं घड़ी पहना करता, बरसों हो गए मैं घड़ी नहीं पहनता, अंगूठी भी नहीं पहनता, क्योंकि मुझे वो बोझ लगता है। पहले बहुत अच्छी लगती थी घड़ी पहनना, कई सालों में नहीं पहनता। इसी तरह मैं बड़ा, अगर आपने मेरे पुराने वर्कशॉप देखे हैं, 4 डायमेंशनल वर्कशॉप, मैं सूटेड बूटेड आता था वर्कशॉप में, अगर आप लोगों को याद हो, टाई होती थी, सूट फर्स्ट क्लास पहन के आता था। अब मैं टी शर्ट में और कहीं कभी पीजे पजामे में मैं वर्कशॉप करा रहा हूं। चेंज हो गया मेरा टोटल सोच, चेंज हो गई है कि कपड़ों से कुछ नहीं होता, मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, जिसने आना है मेरे पास उसने आना है और उसने इल्म लेके जाना है। मगर मैं ये नहीं कहता, गलत भी है अगर आप अच्छे कपड़े पहन के प्रेजेंटेशन देते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे यहां तब्दीली आ गई बहुत सालों पहले और वो तब्दीली अभी भी कैरी फॉरवर्ड करती है। तो अब फैसला जो भी हो उसका तरीका ये है कि 2 कॉलम बनाओ, अगर ये फैसला करता हूं तो क्या नुकसान और फायदे हैं, और अगर ये फैसला करता हूं तो क्या नुकसान और फायदे। दोनों को वे करो, वजन करो दोनों को। उसके बाद बेस्ट तरीका यह कि आपने माशाल्लाह 4 डायमेंशन किया हुआ है, आप अपने हीलिंग रूम में जाकर जो बेहतरीन आपको फैसला लगे। किसी जमाने में एक चीज हम सिखाया करते थे, किसी को याद हो शायद, स्पिरिचुअल बैरोमीटर, नहीं याद हो, सब नए लोग याद से 15-16 साल पहले की बात। स्पिरिचुअल बैरोमीटर एक आला होता, ठीक है, जो यूं और यूं घूमता है, या 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 है, इस तरह, जैसे वो घड़ी का पेंडुलम, किसी जमाने में बड़ी घड़ी होती। तो आप अपने लेवल पे जाए, लेवल से बुला दे हीलिंग ग्रुप में जाए, रिक्वेस्ट करें पेंडुलम से, और आप देख रहे हैं कि पेंडुलम की घड़ी को का उसका जो आर्म है वो बिल्कुल यूं मूव कर रहा है। आपने ये कहना है कि मैंने ये फैसला किया है, हाँ ना नहीं पूछना, पहले डिसाइड कर लेना है कि क्या फैसला किया है। मसलन आपने ये फैसला किया कि हाँ ये काम मैं करूंगा, और फिर आप कहें स्टॉप, रुको, और एक लम्हे के लिए अपने जहन को किसी और चीज पे ले जाए, कोई और ख्याल ले आए अपने जहन में, एक लम्हे के लिए कोई और बात सोचे, और फिर एकदम से बैरोमीटर की तरफ आए। आप देखिए कौन सा नंबर बता रहा है, अगर 5 है तो ठीक है नॉर्मल, 6 है तो बेहतर है, 7 है तो बहुत बेहतर है, 8 है तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, अगर इस तरफ जा रहा है तो फैसला गलत। मगर जब इसको इस्तेमाल करो और जो भी जवाब आए उस पर अमल करना लाजिम। फिर अगर मना आ रहा है कि जी रुखसाना नहीं चाहिए करनी, रुखसाना से शादी, फिर नहीं कर, फिर दिल को संभाल लेना, फिर नहीं कर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये जवाब कहां से आता है इंसान के अंदर, जिन्होंने सिल्वा किया वो आप लोग जानते होंगे, जब हम एहसास कराते हैं कि इस कायनात में जो कुछ है वो मेरे में, और जो मेरे में वो कायनात में, ये हकीकत है, ये एक फैक्ट है, कोई अनहोनी इबाम वाली बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। जो कुछ हमारे अंदर मौजूद है वो इस कायनात में मौजूद, दुनिया की बात नहीं कर रहा, कायनात की बात कर रहा, और जो कुछ कायनात में वो मेरे अंदर मौजूद, इसका मतलब मैं और कायनात एक है। कायनात का मतलब है यूनिवर्स में, उसका नाम कायनात भी है, उसकी बात नहीं करते, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं एक सवाल मेरे जहन में, मैं जवाब चाहता हूं, तो ये जवाब कहीं पे भी सही होगा कायनात से वो मुझे मिलेगा। पानी के बारे में हमने बहुत दफा बताया, हमारे जिस्म में 90% से ज्यादा खून में पानी है, जिस्म वजन अगर करें तो 60-65% पानी है। इसी तरह जहां जहां कोई भी जिंदा शय अल्लाह ने खल्क की है वो पानी से खल्क की है। तो अगर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए तो मेरे अंदर का पानी किसी और जगह के पानी से ताल्लुक पैदा करके वहां से जवाब लेकर मेरे जिस्म के पानी को बताएगा, और मुझे वो जवाब या तो ख्वाब में आएगा ज्यादातर, या फिर दिन में कोई एकदम से सोच आएगी और वो मेरे सवाल का जवाब होगा या मेरे मसले का होगा।
चीजों को सीखे. मुझे आज एक बंदे ने आई थिंक कोहाट से या कहां से मेल किए, वो किसी सिलसिले के हैं, किसी रूहानी सिलसिले से जुड़े. वो कह रहे हैं, सर जी हम बरसों हमें वज़ाइफ करने पड़ते हैं, चिल्ले काटने पड़ते हैं, और उसके बाद भी हमें वो कुछ नहीं मिलता जो 3 दिन में मिलता है. हमारा कोई कमाल नहीं. टेक्नोलॉजी, यहां से ऊंट पे बैठ के आप खाना का बजाय कितने महीने लगेंगे, और जहाज में बैठे 4 घंटे में पहुंच जाएंगे. टेक्नोलॉजी ना, फासला उतना ही है, फासला बड़ा ना कम नहीं हुआ, रफ्तार तेज हो. तो इल्म किसी जमाने में सीना बसीना चलता. जो सूफिया औलिया कराम थे, जो शेख होते थे, वो बरसों आपको अपने पास बुलाते और जब देखते थे कि वसत पैदा हुई थोड़ा दे दिया फिर, क्योंकि उस वक्त रफ्तार तेज नहीं थी. घोड़ा गाड़ी बकी जब उस जमाने में चलती थी, मुझे याद है कराची में किसी दौर में चलती थी, अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो बंदा अमूमन मरता नहीं था, या तो ज्यादा से ज्यादा टांग टूट जाती थी, हार्ट टूट जाता था, मरता नहीं था. अच्छा आज गाड़ियां जिस रफ्तार से चल रही, एक्सीडेंट तो क्या हजार आ रही. अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल. अस्सलाम वालेकुम सर. मोइज़ और रूह साहिबा, आप दोनों का अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया. इस दौर में लोग दुआएं देते नहीं, जो भी दे उसकी शुक्रिया, मेहरबानी उसकी. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. मेरा सवाल ये है कि क्या दुरुस्त बात है कि जब शादी के लिए इस्तखारा करवाते हैं तो वो उस वक्त के लिए होता है या फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए वो फैसला होता है? अगर शादी से पहले इस्तखारा बहुत अच्छा आया और शादी हो गई मगर कुछ अरसे बाद खत्म हो गई, तो क्या वो इस्तखारा सिर्फ उस वक्त के लिए अच्छा था? बराए मेहरबानी तफसील से और एग्जाम्पल दे के रहनुमाई फरमा. बहुत अच्छा, वेरी इंप्रेस, अच्छे सवाल. इस्तखारा हो चुका है बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, इंस्टेंट इस्तखारा होता है. आप फोन करें वो साहब बैठे हैं उसी वक्त टक टक करके बता देंगे. इस्तखारा ऐसे नहीं होता. इस्तखारा होता किस चीज की, आज ये भी बता दूंगा. इस्तखारा इसलिए होता है कि मैं जो काम करना चाहता हूं वो शरी है या गैर शरी है, हलाल है या हराम है, दैट्स इट. और किसी चीज के लिए नहीं होता इस्तखारा. असल चीज इस्तखारा ये हो जाता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये काम कर रहा हूं तो अल्लाह ताला की रजा इसमें है कि नहीं. रजा से मुराद शरी रजा की बात है. डायरेक्टली अल्लाह ताला आपको हुक्म नहीं देता, जो शरीयत उसने दी है उसमें उसके अहकाम मौजूद है. अलग से नहीं करता कि नहीं भाई तू करोला मत खरीदना, ये अल्लाह ताला नहीं कहता. ये आपकी अकल का अपना फैसला हो, सोच समझ के लॉजिक के साथ फैसला करना होगा. तो इस्तखारा बेसिकली होता था कि मैं ये काम कर रहा हूं वो हराम तो नहीं है, गैर शरी तो नहीं है, वह हराम है, इसके लिए इस्तखारा होता. उसके बाद वक्त के साथ साथ जिस तरह बहुत सारी चीजों में तरमीम हो गई, किताबें चेंज हो गई, बहुत सारी चीजें आज आपके सामने जो शक्ल है दीन की वो बहुत मुख्तलिफ थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में दी थी. आसान दीन था, बड़ा बड़ा आसान. आज इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि आप परेशान हो, इतना मुश्किल कर दिया. दीन तो बहुत आसान है, कुरान में अल्लाह ताला बहुत आसानी दी, मगर हमने बहुत मुश्किल कर दी. तो फैसला इस्तखारे का सिर्फ हलाल हराम शरी गैर शरी के लिए होता. आप करना चाहे तो कर ले, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस्तखारा में हाँ हुई थी तो बाद में शादी खत्म क्यों हो गई? इस्तखारा में हाँ इसलिए हुई थी कि वो शायद शादी जो थी वो जायज थी, की जा सकती थी, मगर बाद में शादी निभाना उसमें इस्तखारा का कोई काम नहीं. शादी निभाने के लिए सबर से काम लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है निभाने के लिए, बर्दाश्त करना पड़ता है, इखलाक आता है, सबर, कई चीजें आती तब शादी बनती है. शादी का आज के दौर में शादी को चलाना बहुत मुश्किल काम. 20-25-30 साल पहले औरतें अगर मर्द सही नहीं था तो बर्दाश्त करती, कभी कभी अपने माँ बाप से भी नहीं बताती थी कि मेरी जिंदगी में, वो कहती थी जी मैं इस घर में आ गया, मैं इसी घर की हूं. अब आपका सोशल मीडिया तबाही बरबाद मचा दी,
आपको वो बहुत सारी चीजें पहले से पता हो गई जो वक्त से पहले पता नहीं होनी चाहिए। आपको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है वो कितना सच है कितना गलत है, आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता। अजीब और गरीब मैसेज आते हैं, इतना मैं डांटता हूँ मेरे पास कि जी आप इसको क्लिक करें तो एक बर्गर फ्री है मैकडॉनल्ड का है, कहते इमिरेट्स के टिकट फ्री दे रहा है इमिरेट्स। अच्छा मैं तो जानता हूँ सारा स्कैम है, मैं कभी कोशिश भी नहीं की, मैं जानता हूँ सारा फ्रॉड है, मगर लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत भी है मगर उसके नुकसान भी बहुत ज्यादा, फायदे भी बहुत ज्यादा। मुझे बताओ आप सुबह उठे हो तो आपको फेसबुक पे ये पोस्ट डालने की क्या जरूरत है कि मैंने नाश्ते में ये खाया। एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप है, बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, तो उनके जो मालिकान है वो भी बड़ी बड़ी इज्जत करते हैं, उनके बच्चों ने, बच्चे तो नहीं है वो, बच्चों के बच्चे हो गए, मगर वो कई वर्कशॉप कर चुके हैं। एक दिन हमारा एक वर्कशॉप हो रहा था, इन्होंने फ्रेंच बीच पे किया था, बड़े अमीर तरीन लोगों के बच्चे होते हैं उस क्लब में जो क्लब है उनका, तो मुझे बुलाया गया था, मैं उरूज था, हम गए थे वहाँ, फायर वॉक करवाई थी उनकी, तो वो एक ही बीवी मुझे कहती है कि इसको समझाओ। सुबह उठ के बिस्तर पे लेटे लेटे सबसे पहले फेसबुक खोलता है मोबाइल पे, बंदा आंख खोले दुरूद पढ़ते हुए सूरह हम्द की तिलावत करे बिस्तर पे लेटे लेटे, पहली चीज अल्लाह को याद करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजे पहला काम, फिर आप बिस्तर से उठे वॉशरूम में गए जो भी आपने नाश्ता वाश्ता की जो भी। मगर ये आदमी पहले फेसबुक देखता है। अब मुझे बताएं कि इसके बच्चे भी ये काम सीखेंगे तो आखिर एक नस्ल किस तरफ जा रही है? एक ऐसी चीज पे बिलीव करने लगी है जिसका हकीकत से शायद कोई ताल्लुक ना, बिल्कुल ना। तो इस्तखारा करवाइए जरूर, आप कोई नेक काम करना चाहते हैं, आप एक दुकान। अच्छा मैं एक चीज पे और एंगल पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूं, वैसे तो शरी है मगर उसके अंदर पॉइंट क्या है, कैच क्या है। आप एक दुकान खरीदना चाह रहे हैं, इस्तखारा कराएं। जब आप कहेंगे डॉक्टर साहब इसमें हलाल हराम का क्या सवाल है, शरी का है, शरी का क्या सवाल है, क्योंकि दुकान के तो मैं पैसे दे रहा हूँ या मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो हलाल हराम कहाँ से आ गया, है ना, बात आती है ना। मगर इसके पीछे एक बड़ा राज है। आपने एक दुकान खरीदी या एक प्लॉट खरीदा, खरीदने से पहले इस्तखारा कराया, अब सोचे जिस गहराई में बात करें उसको समझे। जो शख्स आपको प्लॉट बेच रहा है क्या उसे पैसे की जरूरत है शदीद, क्या उसके ऊपर कर्जा है, किसी मुश्किल में, परेशानी में, दुख के साथ वो बेच रहा है, तो वो प्लॉट आपको कभी फलेगा नहीं। आपने किसी से गाड़ी खरीदी, मैं जानता हूं एक केस, एक मेरा दोस्त था, बहुत अजीज दोस्त था, ये बात कम से कम 15 साल पहले की, पैसे वाला था वो, लोगों को सूद पे पैसे देता, नमाज भी पढ़ता था, सब सूद पे पैसा देता। एक साहब थे एज में बड़े थे, उन्होंने जो कर्ज लिया था इसे, और वो इस काबिल नहीं थे कि कर्ज दे सके, यानी बहुत बुरी हालत थी, सफेद पोश आदमी, एक साल का मकान का किराया दिया हुआ था उसने, तो मकान मालिक मकान तो निकाल नहीं सकता उसको, मगर सफेद पोश आदमी। उस बंदे का प्रॉब्लम यह था कि वैसे तो सफेद पोश था मगर बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था। अब मेरे दोस्त ने उसको कर्जा दिया था, वो कर्जा नहीं वापिस कर रहा क्योंकि उसके पास थे नहीं, और कोई तरीका भी नहीं था कि पैसे कहां से आएंगे। उसने ये किया कि उसके पास एक गाड़ी थी सेकेंड हैंड थी मगर अंदाजन उतनी वैल्यू की थी जितने का कर्जा था, उसने वो गाड़ी उठवा ली, गाड़ी उठवा ली। अब जब वो गाड़ी उठाने आया उस बंदे ने हाथ जोड़े, जो उम्र में बड़े, हाथ जोड़े के मेरे पास और कुछ नहीं है यही है, कहीं से पैसे आए मैं थोड़े थोड़े करके, वो नहीं माना, उसने गाड़ी उठा ली, कानूनी तौर पर हक था उसका, इंसानियत के तौर पर नहीं।
खैर गाड़ी उठा ली उसने, गाड़ी उसने बेच दी। जवान लड़का मेरा दोस्त, सिगरेट कभी उसने जिंदगी में नहीं पी, पान कभी नहीं खाया उसने, शराब नहीं पी उसने कभी। चंद महीनों के बाद उसके पेट में दर्द शुरू हुआ और दो तीन महीने में जब डॉक्टर ने चेक किया कोई बीमारी नहीं थी, सेहतमंद बंदा। एक दो महीने उसके पेट में दर्द होता रहा, पेट फूलना शुरू हुआ, गया डॉक्टर के पास, पता चला कैंसर है पेट। पेट का कैंसर उन कैंसरों में जो बहुत तेजी से एग्रेसिव कहते हैं उसे, खतरनाक तरीन कैंसरों में से एक एग्रेसिव होता। इंडिया गया, सर्जरी कराई, वापिस आया, मेरे ख्याल में 7-8 महीने के अंदर अंदर जब मेरे पास आया, मैंने कहा यहाँ पे रोजा, मैं तुझे रेकी देता हूँ, यहाँ ये तो नहीं कह सकता कि तू जिंदा बचेगा कि नहीं, अल्लाह करेगा शिफा होगी नहीं। वो आ नहीं सका, वो आ नहीं, उसको इन चीजों पर यकीन नहीं। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ घर के ऊपर, नहीं ये करना। अब उसने दौलत इकट्ठा जो की थी उसने एक जगह कर ली, क्योंकि इसकी इससे पैसे लेने थे उसने, वो सब उसको याद था कि कहाँ कहाँ से वापिस पैसे ले लें। इवेंचुअली ही डाइड, दुनिया से रुख सकते। अब मुझे ये बताइए कि गाड़ी लेने से पहले इस्तखारा कराना बेहतर है कि नहीं, कि क्या पता जो गाड़ी आप ले रहे उसमें किसी की मजलूमियत, किसी का दुख, किसी की महरूमी तो शामिल नहीं है, क्योंकि वो फिर आपको कभी नहीं मिलेगी, वो साथ साथ आती है। कभी कभी आप हॉरर फिल्में देखते हैं, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, बहुत सारी हॉरर फिल्म, खास तौर पर तहखाने में कुछ जुल्म हुआ किसी में, चंद लोगों पे मारा गया, जला दिया गया, तो वो जो उनकी एनर्जी होती है वो वही मौजूद है। तो वो गाड़ी के साथ भी आ सकती है, प्लॉट लिया उसके साथ भी आ सकती है, अपार्टमेंट लिया उसके साथ भी आ सकती है, और आप पर असर करे, इसलिए इस्तखारा करा है। अब आई समझ में बात, शरी तो ठीक है, गैर शरी हलाल हराम, एक और एंगल है इस्तखारा करा, एक चीज आ रही है उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, किसी की आह पुकार तो नहीं है, किसी की तकलीफें तो उसमें शामिल नहीं है, तो वो फिर आपको लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक सवाल ले सकते हैं, क्योंकि आज माशाल्लाह सवाल बहुत आ गए। अच्छा जी, एक सवाल ले लेता हूँ। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। डियर सर डॉक्टर मोइज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, होप ऑल इज वेल, शुक्र है। हजरत अली का एक कॉल है, उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सिंपल वर्ड में, कि नसीब इज नियत, कैन यू प्लीज एनहांस इट इन योर थर्सडे लेक्चर। ये अकबर अली साहब ने मुंबई इंडिया से भेजा है। अच्छा, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक सवाल से जो ये पूछा गया। क्या सवाल था? बुद्धा ने ये कहा था कि जहां थॉट होंगे एनर्जी फॉलो करती, तो मौलाए कायनात का ये कॉल है कि नियत जो है वो नसीब है। कैसे? अब इसके लिए तीन चीजें समझाना जरूरी है, एक तकदीर, एक मुकद्दर और एक नसीब। तकदीर फिक्स है, चेंज ही नहीं हो सकती। मसलन आप किस घर में पैदा होंगे, आपके वालिदैन कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, कौन सा मोहल्ला होगा, कौन सा शहर होगा, कौन सा मुल्क होगा, आपकी मादरी जबान क्या होगी, ये सारा फिक्स है। इसी तरह वालिदैन के वालिदैन यानी आबा व अजदाद से आपके जेनेटिक मेमोरी क्या लेके आएंगे, ये तमाम की तमाम आपके इख्तियार में नहीं है। अब पैदा होने के बाद अब आपकी तरबियत कैसी होती है आपका मुकद्दर, माँ बाप किस स्कूल में भेजते हैं, तरबियत कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें बहुत कम थोड़ी हद तक चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में पैदा हो, अब बड़े हो के आपने कैनेडियन नेशनलिटी ले ली, तो आप कैनेडियन हो गए, मगर पासपोर्ट पे लिखा जाएगा बर्थ प्लेस पाकिस्तान। अंग्रेजी आपने सीख ली, बहुत अच्छी बोलते फटाफट अंग्रेजी, मगर आपकी मादरी जबान अगर सिंधी है तो आपकी मादरी जबान सिंधी ही रहेगी। जिस औरत ने आपको पैदा किया वो आपकी माँ ही रहेगी। बात हो सकता है उसके चले जाने के बाद आपके वालिद दूसरी शादी कर ले, मगर असल जो आपकी बायोलॉजिकल माँ होगी वो वही होगी जिसके पेट से आप पैदा हुए। ये चीजें चेंज नहीं हो सकती,
मुकद्दर किसी हद तक चेंज हो सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल तो हो रहा लड़का लड़की बन सकती है, लड़की लड़का बन सकता है, ये मुकद्दर। अच्छा, नसीब के बारे में कहा यह जाता है कि ये जो हाथ की लकीर है इस पे अल्लाह ने पैगाम लिखा है, ये लकीर वक्त के साथ साथ चेंज होती है। तो ये जो लकीर अल्लाह ने हाथ में क्यों रखी है, क्योंकि इंसान का नसीब उसके हाथ में, इन हाथों को किस तरह इस्तेमाल कर पाए, यानी उसकी जिंदगी का अज़्म, उसका हौसला, उसकी मकसदियत, वो सब उसके अपने इख्तियार में। हाथ का मतलब इख्तियार में है। तो जब इंसान नियत करता है इसका मतलब है वो किसी सिम्त की तरफ इशारा कर रहा है, उसकी सोच किसी सिम्त की तरफ। तो वो सिम्त की तरफ जब सोच होती है वही नसीब बनाती है, या नसीब बदलती है, या नसीब खराब भी करती है और नसीब बनता भी है। नसीब से मुराद ये है कि क्या मिलने वाला है आपको आज से 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद कहां होंगे आप, ये डिटरमिन करता आज आपके ऊपर। एक फैमिली डिसाइड करती है, नियत करती है, चलो ठीक है इमिग्रेशन ले लेते हैं कैनेडा की, हम दोनों मियां बीवी पढ़े लिखे हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, हमें मिल जाएगी इमिग्रेशन। तो आज आपने नियत की, 2 साल के बाद आप कैनेडा होंगे, ये आपका नसीब। आज आपने नियत की जी मैंने शराब बंद कर दी, खत्म, मैंने सिगरेट पीना बंद कर दी, फेंक दी सिगरेट, तो 1-2 साल के बाद आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका नसीब। और अगर आपने पीना शुरू कर दिया, चाहे वो सिगरेट हो या शराब हो या कोई भी ऐसी, क्योंकि हम बेसिकली गोरा शराब पीता है चाय की तरह, वो आम तौर पर टून नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पीते टून, आम तौर पर नहीं होता। हमारे कल्चर में हम पीते हैं टून होने के लिए, अलग अलग एक मिजाज है ना, एक रवैया ही अलग है। अगर आप छोड़ दोगे 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, नहीं छोड़ोगे तो और खराब हो जाएगी। मेरा एक कजन है दूर का, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अजीज है, अफसोस होता है बहुत, मल्टी मल्टी मिलियनर, बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक, किसी जमाने में भुट्टो से पहले 22 खानदानों में खानदान हम लोग रिलेटेड। इतना जहीन, इतना होशियार, इतना अकलमंद लड़का है, मैं बता नहीं सकता। शराब इस तरह पीता है जैसे कोई शदीद गर्मी में रोजा इफ्तार करने के बाद पानी पीता है, वो गटकट 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 गटकट। अच्छा, इसके पीछे नफसी आकर को, जब इसने शुरू की होगी उस वक्त डर था कोई देख ना ले, तो फौरन से निकाली टक 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 पी गया। शराब इस तरह नहीं पी जाती जिस तरह वो पीता है। अब हुआ होता ही है कि 1-1.5 महीने के बाद वो पी नहीं सकता, लिवर बिल्कुल उसका थक जाता है, तो वो फिर 1 महीने के लिए शराब छोड़कर जूसेस के ऊपर, लिवर काम करना शुरू करता फिर शुरू कर देता है। बहुत मैंने कोशिश की, मेरे पास आ हम थोड़ा काम करते हैं, वो नहीं आता, वो छोड़ना ही नहीं चाहता और मुझे बड़ा दुख होता है। तो अब क्या हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता लिवर इवेंचुअली डैमेज होता जा रहा है, कब तक सहारा देगा, एक मशीन है उसको बार बार चलाओ ठीक ना करो कब तक देगा सारा। तो ये चीज याद रखें कि आप जो नियत करते हैं उसका ताल्लुक नसीब से इस तरह है कि नियत और नसीब के दरमियान अमल होता है, और अमल आपको एक सिम्त ले जाता है जो आपका नसीब बन जाता है। तो एक चीज याद रखें, कभी नसीब को रोना मत, अगर रोओगे तो बहुत बड़े बेवकूफ होंगे। ऐसा कभी सोचा है कि एक शख्स अपने घर को आग लगा के फिर रोना, अरे मेरा घर जल गया, आपने अपना नसीब खुद खराब किया, अल्लाह नहीं चाहता। एक दफा मेरे साथ बैठे हुए थे कुछ उलमाए कराम, हम बात कर रहे थे, मैं तो खैर एक जाहिल आदमी कुछ नहीं जानता, तो बात हो रही थी मकसद हयात, इंसान की तखलीक की मकासिद पे बात हो रही। तो आमतौर पर जो जुमला हम सुनते हैं कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए, 100% दुरुस्त, पर इबादत क्या है? आम आदमी के लिए नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये बात इबादत का बहुत बड़ा मौसम। तो अगर इसको समअप किया जाए एक नुक्ते पे, तो वो ये है कि तखलीक इंसान का मकसद तस्खीर कायनात, और
تسخیر کائنات علم کے بغیر ممکن نہیں ہے اور علم عمل کے بغیر بیکار ہے. علم عمل کے بغیر بیکار ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے عمل میں اس کو کنورٹ نہیں کیا چند سالوں کے بعد آپ جاہل ہو جائیں گے. علم بیکار ہے جب تک عمل میں تبدیل نہ ہو. تو تسخیر کائنات یہ مقصد انسانی زندگی کا ہے, اللہ نے بھیجا ہے اس کائنات کو انسان تسخیر کرے. ہم تو نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے نا, یہ مقصد تھا. اچھا جی ایک منٹ کے لیے اب ہیلنگ کرتے ہیں اور پھر اختتام کریں گے محفل کی. آنکھیں بند کر لیجئے پھر سمجھاتا ہوں. اگر آپ بیمار ہیں اپنے جسم پہ ہاتھ رکھیے گا, پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر درود ابراہیم. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے آپ کے پاس ہے اس کے جسم پر دونوں ہاتھ رکھیے گا. اگر کوئی دور ہے تو اپنے جسم پہ ہاتھ رکھ کر اپنے اس دوست کا رشتہ دار کا جاننے والے کا تصور کریں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے شفا دے آپ کو بھی سب. اپنی پوری توجہ اپنی ہتھیلیوں پہ رکھیے گا. یا سلاموں کا ویٹ کرتے رہیں.
इंशाल्लाह 7:30 बजे और फिर हो सकता है अक्टूबर से हम टाइम थोड़ा पहले कर दें बिकॉज अब मगरिब जो है पहले हो गई, आपको पता ना मगरिब के बाद लेक्चर होता है, 7:45 तक मगरिब हो जाए तो फिर 7 बजे हम इस लेक्चर की इब्तदा किया करेंगे। अपने अपने सवाल जो भी हो नेक्स्ट टाइम भी लेते आइएगा, और 21 को इतवार का दिन है, 22 को इतवार है, उस दिन कराची में कई महीनों के बाद वो डायमेंशन होगा, एक दफ़ा ज़िंदगी में नहीं किया तो ज़रूर करना, और 10 साल से बड़े बच्चों को भी करवाना। ये तस्किया नफ्स के ऊपर अपनी ज़ात को पहचानने का ये वर्कशॉप बहुत अच्छे बाद हम करवा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इदारे के लिए चलाने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो डायमेंशन से हमें नहीं मिलते, तो हम उसको बहुत कम करवाते हैं। बट मैं और दिलो जान से ये प्रोग्राम करा तो वाकई ये इंसान की सोच को बदलने का प्रोग्राम है। आबाद रहे, शाद रहें, खुश रहें, हली में प्लीज़ तनावल कीजिए दुरूद के साथ। परवरदिगार आप सबको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटें, पाकिस्तान पाएँ।